मतलब मेहनत तो हम लोग करते रहते हैं, इस बार थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए DOP से कम अपनी बैनर के तले ये पिक्चर हम बना रहे हैं। और इसके प्रोड्यूसर हमारे हैं दीपू भाई जी और म्यूजिक डायरेक्टर आशीष जी हैं भाई, और डायरेक्टर हमारे RS प्रीतम जी हैं, और इस फिल्म के हीरो राम जी हैं। एक अच्छे कॉन्सेप्ट लेके हम लोग आए हैं मार्केट में, गौरी शंकर फिल्म प्रोडक्शन। तो आपकी फिल्म का नाम है? वो नाम भी है उसी लिए, वो उसी से उसका नाम भी रखे थे और कंपनी भी वही से स्टार्ट हुआ। कहीं गौरी शंकर की रियल स्टोरी तो नहीं है गौरी शंकर फिल्म? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। ये हम लोगों की टीम बाबा विश्वनाथ की कृपा से अच्छी मिल रही है, सबका प्यार दुलार और आशीर्वाद से बनारस में एक अच्छी टीम खड़ी हो गई है, और सब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, और ये महादेव की कृपा है कि लोग हमसे जुड़ जाते हैं, इसलिए मेरा काम आसान हो जाता है। गौरी शंकर की जोड़ी है जो आपकी और आशीष भैया की, ये फ्राड नगर में कितना अलग है? नहीं, सब लोग एक ही साथ हैं, वो टीम है, अब अलग नहीं होगी, सब लोग साथ रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, कुछ नया होता रहेगा इस कंपनी के तहत। ये हमारे छोटे भाई हैं और इनके लिए ही इनकी छुट्टी कम थी, इसलिए इतने जल्दी में हम लोग इस फिल्म की तैयारी की है, रात दिन लिख कर एक स्क्रिप्ट को पूरा किए, गाना रात दिन चल रहा है, और इनके समय पर इस फिल्म को पूरा करना, इसलिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा व्यस्त भी रहे इधर बीच। इस फिल्म की शूटिंग बनारस, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, इन तीन ज़िलों में होगी। अभी इसका पूरा शूट बनारस में होगा, गाने के लिए हम लोग मिर्ज़ापुर सोनभद्र जाएंगे, और ये फिल्म 3 महीने के अंदर हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर एक जानकार आदमी अकेले काम करे तो सिर्फ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, और जहाँ सभी जानकार एक साथ बैठ के काम करेंगे तो कुछ ना कुछ बड़ा तो होगा ही, कुछ ना कुछ अलग तो होगा ही। अगर बनारस में आपको अगर शूटिंग पर्पज से हमारा प्रोडक्शन हाउस सब कुछ उपलब्ध करा देगा, जैसे कि आप लाइट्स चाहिए, कैमरा चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, म्यूजिक राइटर, लेखक और म्यूजिक आर्टिस्ट, जो कुछ चाहिए जिस बजट में चाहिए सब मिलेगा। मतलब आपके सारे लोग आपके साथ हैं? हाँ, हमारे सभी लोग हमारे साथ हैं।